जब हम हमारे एक्सेल शीट के अंदर वर्कशीट के अंदर फॉर्मूलाज फंक्शन यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि हमें वो फॉर्मूलाज जो हैं कहीं और भी चाहिए होगी। सो यही केस हमारे साथ इस वर्कशीट के अंदर हो रहा है जो कि हमारी लीफ एंड मोटर रेवेन्यू शीट है उसमें हो रहा है। ये शीट का नाम है LMRE, दैट इज़ LM Revenue 0105। आप हमारे साथ अगर काम कर रहे हो तो आप इसे प्लीज़ ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ पे जस्ट एक सम फंक्शन ऐड किया था C11 के अंदर में, आप देख सकते हो। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे आंसर दिखा रहा है और हमारे फॉर्मूला बार में दिख रहे हैं। ये हमारा सम फंक्शन है जो कि टोटल करने के लिए यूज़ होता है और हमने इसको C6 से C9 टोटल करने के लिए यूज़ किया। अब इसी तरह से अगर मुझे फेब्रुअरी या मार्च का मुझे आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम D11 में जाएंगे और फिर हम उस सेल के अंदर प्रॉपर फॉर्मूला दे के हम रेंज दे के ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं जो कि D6 से D9 हमारी रेंज होगी। और फिर हम वापस कॉलम ई में जाएंगे। पर क्यों हम बार बार चीज़ों को रिपीट करें जब एक्सेल के पास एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेसिंग। दैट मीन्स D11 सेल की तरफ आते हैं और उस फॉर्मूला को हम अगर कॉपी करते हैं और उसको कॉपी करके हम अगर वापस हमारे कॉलम डी में पेस्ट कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली D6 से D9 रेंज खुद ही ले लेगा। और अगर हम उसे E11 में प्रेस करते हैं आप समझ ही गए वो क्या करेगा। इट विल यूज द रेंज ऑफ E6 एंड E9। हमारी E6 से E9 की रेंज वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। और हम यहाँ पे आके इसको कॉपी कर सकते हैं। हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, आप कॉपी पे क्लिक कीजिए और उस सेल के अंदर जाके आप उसे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ये एक काम है कर सकते हैं। और इससे भी एक फास्टर तरीका है, आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जब भी आप सेल पे क्लिक करते हो बॉटम राइट कॉर्नर में एक ग्रीन हैंडल आता है आपके पास में। अगर हम C11 की तरफ चले, वहाँ पे हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक वाइट क्रॉस आ रहा है अगर हम उस ग्रीन हैंडल के पास जाते हैं। हमें ये करना है कि हमारा जो ब्लैक क्रॉस है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे रेडी हैं ड्रैग एंड क्लिक करने के लिए। दैट मीन्स अब हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं हम दूसरे सेल की तरफ तो आप देखिए क्या होगा अभी यहाँ पे। और देखिए आप देख सकते हो वेरी फास्ट वेरी इजी और सब कुछ करेक्ट लेके आया है इस सेल के अंदर, कोई भी डेटा गलत नहीं है। चलिए वापस C11 की तरफ चलते हैं एक बार। और ये हमारा यहाँ पे फंक्शन था C6 से C9। अगर हम अब D11 की तरफ चले तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इसने ऑटोमेटिकली रेंज ले ली होगी, जो कि आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो कि इसने हमारी D6 से D9 रेंज ले ली है। उसे पता है कि आप कॉपी करना चाहते हो, इसी तरह से कॉल नंबर के अंदर आप कॉपी करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा। इसी तरह से अगर हम सेल C11 के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, वही होगा, वो ऑटोमेटिकली E6 से E9 का सम फंक्शन यूज करके आंसर आपको ले आएगा। इसीलिए हमें डिफरेंट आंसर्स मिले लेकिन आंसर हमारे सही थे हर एक कॉलम के लिए। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्सेल जो है वो रिलेटिव सेल एड्रेसिंग यूज़ करता है। आप जब कॉपी पेस्ट करते हो तो वो थोड़ा टाइम तो लेने वाला है और रिपीटेशन भी रहेगा। तब आप इस तरह से रिलेटिव एड्रेसिंग का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।